कल हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म हुआ था। अब हम थोड़ा टहलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, थोड़ा आसपास का व्यू दिखाएंगे आज आपको। यहाँ से ऊपर हम जाएंगे इन मक्यू में क्रॉस करते हुए ऊपर। अब ऊपर देख रहे होंगे आप बिल्कुल टॉप पे, ये वाली जगह यही है वो लदेदार जहाँ पे हम घूमने गए थे। अभी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे वो शेर वगैरह रहा करते थे, सुनने में आए यहाँ पे रहते, उस जगह पे जाके हम आपको दिखाएंगे। आप ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे मैंने कहा था आपको, ये बड़े बड़े चट्टान हैं, इनके बीच में एक छोटी सी गुफा है, यहाँ पे शेर वगैरह रहते थे। यही वो गुफा है, यहाँ पे शेर वगैरह रहते थे। देखिए ऊपर से छोटा सा सुराख है, अंदर बहुत बड़ी गुफा है। कल हम यहाँ से वापस चला गए थे क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से हमें रिटर्न जाना पड़ा था। हमारा मेन मकसद था एक आगे, यहाँ से आगे जाके एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है वो दिखाने की कोशिश थी मेरी, लेकिन लेट हो गया था जिसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ा। तो आज हम आपको उस जगह पे ले चलते हैं, वहाँ पे दिखाएंगे कितना मस्त व्यू है। बचपन में मैं यहाँ पे रहा करता था, इस एरिया से काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं बहुत सी, अभी आपको दिखाएंगे आगे कैसी कैसी कौन कौन सी यादें जुड़ी। ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे हमारी बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। ये सामने आपको छोटा सा ग्राउंड दिख रहा होगा, यहाँ पे पिच भी बनी हुई, यहाँ पे अक्सर क्रिकेट खेलना के लिए आया करते थे हम और पूरे दिन खेला करते थे। अभी हम आपको दिखाते हैं पहले जब हम आया करते थे इस एरिया से होके, यहाँ से निकल के इधर से रास्ता होता था बीच में से जाने के लिए, और अब यहाँ पे स्लाइडिंग की वजह से हमें इतना ऊपर चढ़ के आना पड़ रहा है यहाँ से रास्ता, कितनी चेंजिंग हो जाती है। यहाँ पे फिर से अभी दो रास्ते दिख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला ऊपर से, और एक नीचे से, लेकिन हम निचले रास्ते से जाएंगे क्योंकि बचपन में हम इसी रास्ते से जाया करते थे। आज फिर उन यादों को ताज़ा करना है तो उसी रास्ते से जाएंगे, देखेंगे आगे अगर कोई मुश्किल आती है तो पता लग जाएगा आपको, लेकिन जाना उसी रास्ते से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे छोटे छोटे चश्मे हैं पानी के, ये तब भी हुआ करते थे और आज भी है। हम छोटे मोटे पंगे करके यहाँ पे अक्सर हाथ शाथ धोने आया करते थे, वो भी आपको आगे जाके दिखाऊंगा हम क्या पंगे क्या मस्ती किया करते थे तब। रास्ता ठीक ही था ये वाला भी, ऊपर से शायद इसलिए बनाया था, थोड़ा सा चढ़ाई कम थी उसमें, यहाँ पर हमको बिल्कुल सीधा चढ़ना पड़ रहा ऊपर की तरफ। अभी आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हमारे नेचर के मंज़र भी चेंज हो रहे हैं, सीनरी जो है वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाते हुए आगे देखेंगे आप कितनी मस्त सीनरी देखने को मिलेगी आपको। कुछ ही देर में हम अपने उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां हमने जाना है। तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जिस जगह का ज़िक्र किया था मैंने, अभी अच्छे से आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हम बचपन में छोटी मोटी मस्ती करके वहाँ पे हाथ धोने जाते थे, तो इन चीड़ों में यहाँ पे वो लगी होती थी, इनमें वो खलदरा वगैरह निकालते थे, वो हम लोग गिराते थे ऐसे उल्टे सीधे पंगे करके, फिर जाते थे हाथ शाथ धोने के लिए। ये देखो इनको अभी, आज तो कुछ नहीं लगा लेकिन निशान अभी भी दिख रहे हैं। आगे जाके हम और दिखाएंगे सारी दरख्त जितने भी, इन पर यही निशान देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए जितने भी पेड़ है यहाँ पे, सभी पे यही निशान देखने को मिलेंगे आपको। हम रोज़ शाम शाम को यहाँ पे घूमने आया करते थे, यहाँ पे वही माहौल देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है।
अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब हम घर के लिए निकलेंगे। सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली सी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में।